अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन रज़ा और इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेक्स्ट स्किल चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके लिए आज मैं लेके हाजिर हूँ एक पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स एंड की का एक नया लेसन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10, 11 एंड 12। इसकी डिक्टेशन आज हम लिखना सीखेंगे। तो डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। तो आइए आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 10 से है। ये जी अल्फाज हैं, मैं बोलता जाता हूँ और साथ साथ लिखता जाता हूँ। आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से मैं आउटलाइंस लिखता जाता हूँ और बोलता जाता हूँ। ये जी, द बिल ओट टू बी पेड इफ वी ओ देम फॉर द वुड फुल स्टॉप मे वी see the book which was to be given to him ? We owe him an apology for the delay in mailing the check ? We ought to pay the money in the bank ? We shall do so if we can ? May we have a copy of the bill for the wood we bought on the 5th of the the name of the book Jesse bought was making a living ? We shall go to the dock on Monday to take a look at the big ship ? If we can get each of them together 2 by 6, we shall have enough money to feed the family for a month ? We think we ought to make an appeal for aid. Do we owe him a fee for doing the job? ?
ये जी, इफ दे कैन गेट अवे फुल स्टॉप, दे विल कम टू सी द गेम फुल स्टॉप, दे विल हैव टू लीव एट टू कॉमा, इफ दे विश टू सी इट फुल स्टॉप, वी शैल हैव टू पे फॉर द डैमेज टू द बोट फुल स्टॉप, मनी फॉर द फूड वॉज बींग गिवन टू द फैमिली मंथली फुल स्टॉप, इफ वी कैन एड them in any way we ought to do so full stop.